क्या आवाज है भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। तो भाई आज की मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो काफ़ी टाइम से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्यून्ड क्रेटा के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो भाई आज मैं बना रहा हूँ स्ट्यून्ड क्रेटा पे वीडियो, और मैं इसमें भाई आपको इसके बेसिक फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा भाई, वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि भाई ये सबसे अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फेमस कार रही है, सबसे ज़्यादा इसकी सेल हुई है, तो आपको मेरे से ज़्यादा ही पता होगा। मैं आपको भाई जो इसमें बताऊँगा वो मैं ये बताऊँगा भाई कि क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड किए गए हैं, क्या उनकी कॉस्ट रही है, और भाई वो सब करने के बाद भाई क्या इसके परफॉर्मेंस में फ़र्क आया है, और भाई मेंटेनेंस वगैरह कैसी है, भाई से कैसे मेंटेनेंस करते हैं, और भाई फिर मैं इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको और दिखाता हूँ भाई क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कितना इसमें पंच है। और भाई एक बार भाई कार देख लो भाई, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी बना रखी है भाई भाई ने। तो भाई बात कर लेते हैं अपने ट्यून्ड क्रेटा के ऑनर से भाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्य बराना एंड मैं एक शेफ हूं एंड इट्स अ वेरी न्यू स्टार्टअप पिनाकल बेकर्स, यहीं पे यहां पास में द्वारका सेक्टर 50 में डालेंगे। दिस इज माय कार क्रेटा 1.6 BS 3 है ये। आई नो सुनने में बहुत पुट्ठा लग रहा होगा, बट ये सबसे पहले लॉट की है 2015 एंड इट इज़ वेरी मेंटेन्ड, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस हो चुकी है, बट आई हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल। बाकी इसमें परफॉर्मेंस की बात करेंगे बिकॉज बाकी और सिस्टम वगैरह का कोई खासा शौक है नहीं, ऑल बट आई हैव डन इज यहाँ पे सब कुछ परफॉर्मेंस के काम हो रखा है। एज यू कैन सी स्लीपर अलर्ट, स्लीपर अलर्ट मतलब देखने में लगता नहीं है कि इट इज़ फास्ट बट इट इज़ ब्रूटली क्विक, मतलब लाइक अभी 0 to 100 इसका अराउंड 8.5 से 9 सेकंड मैंने विकास किया भाई इसको, इट इज़ क्विक, यस भाई। तो बाकी अभी इसके अंदर इंजन बे देखोगे तो अभी हमने KNN का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर लगा रखा है, ओनली फिल्टर चेंज किया है, फिल्टर चेंज कर रखा है। फिल्टर चेंज से लोग बोलते हैं कि डिफरेंस नहीं आता, बट आता है जब आप कोई भी रीमैप चलाते हो, जैसे ये स्टेज वन रीमैप हो रखी है क्वांटम परफॉर्मेंस की तरफ से, स्टेज वन है, दिस इज अराउंड 165 BHP एंड 335 Nm टॉर्क है इस गाड़ी का। तो अब जैसे आप देख पा रहे होगे कि इसमें KNN का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर लग रखा है, पीछे स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट सिस्टम हो रखा है इसमें, दिखा देते हैं भाई। तो मैं एक बार इंजन साउंड, क्या आवाज है भाई, तो आपने भाई सुन के देख लिया भाई कितना तगड़ा एग्जॉस्ट भाई ने सिस्टम लगवा रखा है इसमें, और भाई बाहर से देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कुछ भी चेंज है, जो भी चेंज करवाया भाई ने वो इसके अंदर करवाया है। और भाई थोड़ा इसके टायर्स के बारे में बताइए भाई। टायर्स करेंटली वी आर रनिंग ऑन योकोहामा अर्थ ब्लू टायर्स, कंपनी से अराउंड 215 आते हैं, हमने 225 लगा रखे बिकॉज थोड़ा ग्रिप बेटर होता है, थोड़ा ग्रिप बेटर होगा बिकॉज पुराने टायर घिस भी गए थे एंड वी वांटेड बेटर टायर्स, बट जिस हिसाब की परफॉर्मेंस इस गाड़ी में रखी है ये टायर्स नहीं सपोर्ट कर पा रहे, नहीं सपोर्ट कर रहे ना, पहले गियर सेकंड गियर में इतना व्हील स्पिन है जैसे आपने पिछले लॉन्ग बिल्कुल बिल्कुल ड्रैग रेस में बहुत ज्यादा व्हील स्पिन है, तो इस वजह से हमें टायर्स भी धीरे धीरे जल्दी अपग्रेड करना, अलॉयज एंड टायर्स बहुत अपग्रेड करने पड़ेंगे, टायर्स दोनों अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑल्सो वी विल बी गेटिंग अ बेटर सस्पेंशन फॉर दिस, ओके, जिससे थोड़ा गाड़ी स्टिफ हो जाए, बिकॉज आपको पता होगा ह्यूंडई की एक चीज बहुत गलत है, दैट इज द राइट हैंडलिंग, जो गाड़ी झूला हो जाती है, बिल्कुल भाई, सो दैट इज व्हाई विल बी अपग्रेडिंग द सस्पेंशन आल्सो, ओके। अंदर से देख लो भाई एक बारी, भाई ने कितना काम करा रखा है, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर सीट्स काफी प्यारी बना रखी है भाई। भाई उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती थी, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती थी, बट आई प्रेफर ये होनी चाहिए थी ना, बिल्कुल, ओके, बट चलो कोई बात नहीं, फीचर्स वगैरह के लिए गाड़ी है, बनी ही नहीं है, बनी नहीं है, जैसे इवन आप यहाँ पे भी पढ़ोगे रियल मैन यूज 3 pedals, नाइस भाई, बिकॉज ये भाई अगर किसी को नहीं समझ आ रहे तो भाई ये मैनुअल कार वाले ही लगवा सकते हैं, कार वाले ही लगाते हैं जी भाई। और ये भाई अपने भाई भाई की बेकरी का है भाई, और नीचे भाई का चैनल है शायद, ये भाई नीचे भाई के चैनल का है क्रेटा, क्रेटा से रिलेटेड ही अपलोड करते हैं वीडियोस, डू लेट अस नो, हम आपका भी बिल्कुल फीचर करेंगे। सो आओ भाई ड्राइव करके देखते हैं इस कार की परफॉर्मेंस, ओके। तो भाई ड्राइव करके देखते हैं अपनी क्रेटा ट्यून्ड, जो भाई ने इसके अंदर पैसा लगाया है, जो अपग्रेड्स कराए हैं, देखते हैं भाई वो है भी उस लायक या नहीं है, और ये कार इतनी पावर को झेल पा रही नहीं झेल पा रही। ओ भाई जो टर्बो विशल इसके अंदर बार बार आ रही है ना, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट दे रही है, क्यों लक्ष्य भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी के लिए। सो भाई इसमें आपको आपका भाई क्या खर्चा आ गया भाई इसमें ट्यून कराने में? आई कैन नॉट डिस्क्लोज कि कितना खर्चा हो चुका है, बट आई विल से कि काफी अच्छा खासा खर्चा हो चुका है, एटलीस्ट अबव 1 लाख, ओके,
और अराउंड परफॉर्मेंस का देखे तो अराउंड 50K अराउंड इसमें खर्चा हो चुका है, विच इंक्लूड्स अ रीमैप, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर एंड एग्जॉस्ट ऑल्सो. बट सारी चीजें अंदर हिडन है, कोई भी ऐसी चीज बाहर नहीं दिखती जिससे तो, पता लग सके कि गाड़ी में कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड का. एक चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी भाई, जो आपने इसमें खर्चा किया ना भाई, इसकी परफॉर्मेंस पे किया है, कोई बेफालतू की मॉडिफिकेशन में खर्चा नहीं किया है. ये भाई आपने GT ट्यूनर से करवाया है रिमैप? ये GT ट्यूनर से करा है, अक्षय टाइटस से, एंड दिस इज क्वांटम. ओके ओके, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, बिकॉज़ उसका ट्यूनिंग कंपनी बहुत अच्छा सर्विस है, एग्जैक्टली, रिलायबल भी है, हर बंदे ने वही करवा रखा है एंड इट इज वेरी गुड. ओके तो भाई एक बार लॉन्च करके देखते हैं इसको भाई. ESP इसका ऑफ कर दिया है, AC ऑन है भाई, उसके बाद देखते हैं. ओ भाई क्या बात है भाई, ये तो रॉकेट बना रखा है आपने. तो भाई मैं इस कार को ना भाई 40 पे रोलिंग करूंगा, स्पीड गन आ रही है भाई, स्पीड गन क्रॉस करते ही मैं इसको लॉन्च कर दूंगा. और आ गई है भाई ऑलमोस्ट. और भाई लाजवाब भाई, लाजवाब. मतलब भाई मैंने सारी क्रेटास चलाई है भाई, टर्बो चलाई है, सारी चलाई है भाई, ये पुश और ये पावर भाई मैंने आज तक किसी में फील नहीं की है. एंड बेस्ट बात ये है, चौथे पांचवे छठे गियर में भी पावर है. बिल्कुल है भाई, मैंने बिल्कुल एक भी गियर ऐसा नहीं. मैंने भाई अभी 60 की स्पीड पे भाई 6th गियर डाल रखा है और भाई कार उसको लिफ्ट कर रही है, ना कि भाई अंडर पावर दिखा रही है और दब रही है, कार उठा रही है भाई 6th को भी. तो लक्ष्य भाई मैंने आपकी कार अभी ड्राइव करके देखी भाई, बहुत मजा आ रहा था भाई, मतलब लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं कोई हुंडई कार चला रहा हूँ. तो भाई मेरे को एक क्वेश्चन मेरा भी है और भाई जो देख रहे हैं वीडियोस उन भाइयों का भी है. ठीक है भाई, आपने इतनी पावर इसमें करा तो दी है, इसका भाई कोई माइनस पॉइंट भी है? माइनस पॉइंट ऑनेस्टली सिर्फ एवरेज है, अफसोस. कोई मेंटेनेंस में कोई पार्ट इसका दिक्कत दे रहा हो या गियर बॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है? गियर बॉक्स बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है. एंड बात ये है कि होता ये है, सिर्फ इशू ये है कि इस हिसाब की टॉर्क मेरे करंट टायर्स नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं. अगर मैं नॉर्मली चलाऊं तो बहुत सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट अगर मैं इसको हाइपर राइडिंग ट्राई करता हूं तो थोड़ा टफ हो रहा है इसको चलाना. तो आप कह रहे हैं इसमें अगर कोई पावर बढ़वा रहा है क्रेटा में तो अलॉय साथ में अपग्रेड जरूर करें. अलॉय होता क्या भैया, आई विल टेल यू समथिंग, जे का सारा गेम होता है. ठीक है, जे होता है आपका रिम का विर्थ. अभी इसका 6.5 जे कंपनी से जो आता है टॉप मॉडल का. ओके, तो अगर वो 7 या 7.5 होगा तो बहुत अच्छा इसको ग्रिप मिल सकता है, बिकॉज जितने वाइडर टायर उतनी गाड़ी दब के चलेगी, उतनी दब कर चलेगी, दब के चलेगी, स्टिफ भी चलेगी थोड़ी, स्टिफ भी चलेगी. एंड वही अब थोड़े टाइम बाद थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन भी इसमें सोचा जा सकता है, आई बैक हो गया या कोई और ब्रांड अच्छा कोबरा टाइप. वही कह रहा हूँ भाई, जैसे मैंने अभी ड्राइव करी ना तो स्ट्रेट में तो काफी अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसको हम टर्न करते हैं 100 के ऊपर तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए वीक हो रहा था क्योंकि शायद से बॉडी रोल और या फिर शायद से इन टायर्स की वजह से. टायर्स का भी रोल है बट सस्पेंशन का ज्यादा रोल है, बिकॉज होता ये है कंपनी बनाती है फॉर कंफर्ट गाड़ी, कंफर्ट का बिल्कुल भाई. अब बिकॉज ये सेगमेंट की गाड़ी कोई भगाता नहीं है, बट हाँ हमारे शौक थोड़े पुट्ठे हैं तो अब क्या कर सकते हैं भैया. बिल्कुल भाई, बट यही है कि आई विल जस्ट से कि मतलब डेली ड्राइवर भी अगर मैं इसको नॉर्मली आज जैसे सपोज अभी चल रही है बिल्कुल, तो मैं 18 से 20 तक की एवरेज आ रही थी. एवरेज में कोई ड्रॉप नहीं है, बट द मोमेंट गाड़ी पेलना शुरू करो बहुत कम एवरेज हो जाती है. मतलब भी क्या होती है, 12 से 14 तक आ जाती है एवरेज अगर इसको भगाना स्टार्ट करो तो. ओके, और वैसे नॉर्मली वैसे 18 से 20 रहती है अगर नॉर्मल बिल्कुल. और क्या चाहिए, मतलब आपको ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है एवरेज से? मेरा वैसे मतलब वीकडेज में बहुत मैं आराम से चलाता हूँ इस गाड़ी को, बट हाँ वीकेंड्स गाड़ी ऑब्वियसली तैयार गई है भाई. दिल्ली में ऐसे रोड भी नहीं है कि आप इसको डेली भगा सको. हाँ, तो ऑब्वियसली वीकेंड्स पे जैसे हम निकल मिलते हैं, मीटअप्स होते हैं, वहीं पर भगाई जाती है, वही अलग अलग लोग. तो भाई ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है कोई इसका एवरेज का, बाकी भाई गाड़ी है. मेन बात ये है डीजल है, लोग डीजल को बहुत ज्यादा अंडररेट करते हैं.
बट दी मोमेंट जिस बंदे ने आज तक जिंदगी में डीजल ढंग की गाड़ी चलाई होगी वो पेट्रोल छुएगा भी नहीं। भाई मेरा एक क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हुंडई के या इन सब के रिमैप्स नहीं कराने चाहिए, इंजन में दिक्कत आ जाती है, इंजन सपोर्ट नहीं करता। देखो तो भाई आपको आज तो कोई इशू आया इंजन में? देखो मेरी गाड़ी 1,00,000 चल चुकी है और सोचो जो बंदा 1,00,000 पे रिमैप करवा के बैठा हुआ है तो सोचो वो क्रेजी तो होगा नहीं। बिल्कुल भाई, वो सोच समझ के कुछ करके बैठा, R&D करके सब कुछ सोच समझ के करा है। मेरे नोन में कम से कम भी नहीं तो 7 से 8 लोग हैं ऑल इंडिया जो अब तक इससे बेटर सेटअप चला रहे हैं, कोई इशू नहीं आया इनको इंजन का आज तक, इशू नहीं आया। बस ये है अगर आप स्टेज 3 पे जाते हो तो टर्बो अपग्रेड मांगता है। ओके, बिकॉज करंट जो कंपनी से टर्बो आता है वो इतना सपोर्ट नहीं कर सकता पावर। भाई फर्स्ट स्टेज ये इनफ है इस कार के लिए, मेरे को ऐसा लगता है अभी ये रॉकेट बन चुकी है। थर्ड स्टेज तो मेरे ख्याल में ये रोड लीगल होगी नहीं, फिर लीगल तो बाकी कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सब कुछ इलीगल है। बिल्कुल भाई, नहीं इंडिया में देते भी काफी ड्यूटीज करके हैं कारें। अब जैसे आई विल जस्ट शो यू, ठीक है, अब रोड थोड़ा खाली है तो सपोज दिस इज फर्स्ट गियर, ठीक है, एंड अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, ESP ऑफ है, फर्स्ट गियर पे हैं हम, अब इसको लॉन्च करेंगे। वेरी नाइस भाई, एक्सेलरेशन बहुत खत्म, इतने छोटे से भाई पैच पर मैंने ऐसा एक्सेलरेशन सच में भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्रेटा से, पर भाई जो आपने कराया ना भाई हैट्स ऑफ भाई। बस भाई अभी थोड़ा सा शॉक वगैरह है, प्लस होता ये है वैग ग्रुप कोई भी ट्यून कर सकता है, आई एम टेलिंग दिस अगेन, पोलो वेंटो ये सारी गाड़ियां हर चौथा आदमी ट्यून करके बैठा है, उसको मैं कोई टास्क नहीं समझता, बट जो बंदा पुट्ठी गाड़ियां ट्यून करके भगाता है उसका है कुछ डिफरेंट, उसी को हम भाई स्लीपर्स कहते हैं, उसी भाई। को स्लीपर कहते हैं कि exactly. लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और वो गाड़ियां भागती हैं। एग्जैक्टली भाई, भाई ये कार देखने में इतनी नॉर्मल है लेकिन मेरे तक पसीने भाई छुड़ा दिए इसने है ना भाई, तो मैं खुद इतना क्यूरियस हो गया था कि मैं भाई मुझे पता करना है, मुझे चलाना है, मुझे देखना है भाई कार में क्या है, और भाई रियली भाई लव योर कार, रियली लव योर कार मींस अ लॉट भाई। और रात का टाइम है और एक बार देखो भाई कितनी प्यारी बनवा रखी है भाई, भाई ने काफी अच्छा खर्चा कर रखा है भाई, काफी कितनी प्यारी लग रही है भाई देखो। तो भाई उम्मीद करता हूँ क्रेटा ट्यून से जुड़े हुए जो भी आपके क्वेश्चंस थे भाई आपको उनके आंसर मिल गए होंगे। और भाई एक चीज और बताना चाहता हूँ भाई, कार कोई भी हो अगर आप उसको अच्छे से जानते हो, आप उसके स्पेक्स जानते हो, आप उसे ट्यून करा सकते हैं भाई, वो गाड़ी कभी आपको दिक्कत नहीं देगी भाई। जैसे कि 1,00,000 चला चुके हैं लक्ष्य भाई, ऑलमोस्ट 90,000 भाई मैं चला चुका हूँ अपनी कार को आफ्टर ट्यून, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आती है भाई, इवन मेरी तो भाई एवरेज भी बढ़ गई है कार की, और भाई चलाने में जो मजा आता है ना वो आपको स्टॉक कार दे ही नहीं सकती भाई। तो भाई मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप करा सकते हैं कार अपनी ट्यून तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके बारे में आपको और कोई क्वेश्चन करना हो भाई, कोई और आपका सवाल हो प्लीज भाई कमेंट सेक्शन में कीजिए, और कौन कौन सी कार आपको भाई मेरे चैनल पर देखनी है तो आप मेरे भाई बताइए, मैं भाई कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी पूरी उन कारों का रिव्यू लाने का, उनके साथ ड्राइव करने का, उनके बारे में जितना आपको बता सकूं उतना बताने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, और कल मिलते हैं भाई एक नई कार के रिव्यू एक नई ड्रैग रेस के साथ, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।